दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक एक्सप्लेनर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें वीडियोस सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। टेक एक्सप्लेनर में मैं वरीद अबगौज खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत अरसे बाद एक न्यू वीडियो सीरीज़ के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि हम अर्तुगरुल एंड्रॉयड ऐप कैसे बना सकते हैं। और बहुत ही ईजी है, इसमें हमको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। सो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। सो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने बताया कि कैसे मैंने एंड्रॉयड ऐप बनाया था और उसमें से कैसे एडसेंस की वजह से मुझे डिलीट करना पड़ा था। लेकिन अब मैं दोबारा फिर मैंने बनाया, लेकिन अब मैं दोबारा आपके लिए बना रहा हूँ। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है, क्या क्या एहतियात आपने करनी है और इसका क्या क्या प्रोसेस है। स्टेप बाई स्टेप इंशाल्लाह हम इसको लेके चलेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहला है कि हमने होस्टिंग लेनी है। जाहिर बात है, अगर हमने किसी अपने ऐप को किसी चीज़ पे इन्हसार करवाना है ऑनलाइन, तो वो एक होस्टिंग हो गया। अगर किसी को होस्टिंग का नहीं पता तो मैं बता दूं, होस्टिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो आप वर्चुअल सर्वर यानी एक वर्चुअल कंप्यूटर या वर्चुअल सर्वर, लिनक्स सर्वर होता है, वो आप किसी उसका बाय करते हैं ऑनलाइन कंपनी का, जो कि 24/7 आपको ऑनलाइन रहता है। आप उससे अपने वेबसाइट, जिस तरह के वेबसाइट पे आप वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, वही तरीका कार होता है। तो चीप होस्टिंग बाय करने के लिए मैं जो होस्टिंग यूज़ करता था, जो लोड उठाती थी तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा, मतलब जो मेरे व्यूज़ होते थे वो 4.5 लाख से ज़्यादा पर डे होते थे, तो वो ये होस्टिंग उठाती थी। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी होस्टिंग मैंने बाई की हुई थी। namecheap.com पर जाते हैं तो यहाँ से हम होस्टिंग में आ जाते हैं। होस्टिंग में से यहाँ शेयर्ड होस्टिंग में मैंने यहाँ से पॉपुलर स्टेलर प्लस प्लान चूज़ किया हुआ था, $2.68 पर मंथ। अगर इसको मैं गेट स्टार्टेड करता हूँ तो ये 31.84 यानी ये $32 तक चला जाएगा। तो $32 आप ट्रांस में कन्वर्ट करके देख लें। तकरीबन 5000 की आपको इसमें आप इसको बाय करेंगे जो आपकी होस्टिंग है स्टीलर प्लस, ठीक है। तो इसको बाय करने के लिए आपने सिंपली ऐसे आना है, वो सिंपल जो मैंने किया है वही करना है। उसके बाद आपने न्यू डोमेन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपके पास डोमेन भी नहीं होगी। डोमेन जैसा कि namecheap.com है, facebook.com है, ये डोमेन है। तो डोमेन यहाँ से मैं कोई भी सर्च कर लेता हूँ, वॉच अर्तुगरुल, मैं इंटर करता हूँ इस पर। तो जो हमें अपने एडमिन बनने के लिए डोमेन चाहिए, हमें कोई अपनी वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन नहीं चाहिए। अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो आपको फिर कॉम में ख़रीदनी पड़ेगी डोमेन, लेकिन इसके लिए आप ये डोमेन जैसा कि ये फ्री में आपको दे रहे हैं तो इस पर कंटिन्यू टू होस्टिंग कर सकते हैं। एड टू होस्टिंग कर दी तो $32.02 बन गए। आपने ऐड टू कार्ड करना है। ऐड टू कार्ड करने के बाद जी आपको इस तरह का दिखाएगा कुछ, कंफर्म ऑर्डर कर देंगे हम, ठीक है। इसके बाद आपने अपने अकाउंट बनाना है। इधर अकाउंट बनाने के बाद आप अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। पेमेंट इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप जी आपके वो बन जाएगी, आपके जो होस्टिंग है वो ख़रीद दी जाएगी और आप होस्टिंग उसमें आपको रिडायरेक्ट कर देंगे। अब मैं दिखाता हूँ जो मैंने होस्टिंग बाय की हुई है तो आपको कैसे वहाँ इंटरफेस मिलेगा। तो जब आप होस्टिंग बाय कर लेंगे तो सेम इसी तरह आपके अकाउंट आ जाएगा। अकाउंट में आपकी डोमेन होगी इधर, और डोमेन के बाद आपके यहाँ जो सी पैनल है उसका लिंक होगा। सी पैनल दरअसल जैसे आपको कंट्रोल पैनल होता है वैसे ही एक होता है, तो उससे आप हर चीज़ हमने जो जाके करनी है वो सी पैनल से ही करनी है। और जो आपके सी पैनल का पासवर्ड और जो यूज़र नेम है वो आपको आपके ईमेल जिससे आपने ये अकाउंट बनाया है उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आपने गो टू सी पैनल करना है तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा सी पैनल पे। चलें जी, हम सी पैनल पे आ गए हैं, ठीक है।
होस्टिंग भाई होगी हमारी आज। जी आप सी पैनल देख रहे हैं, इसमें हम तमाम जो अगली हमारी जो सेटअप वगैरह है हमारे उसका, वो हम सी पैनल में करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह निगहबान।